हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू नो, आज लोरी है। सो लोरी के लिए हम आज क्या करेंगे, हम एक क्विक रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि लोरी में दाल मखनी ना हो तो लोरी लोरी क्या हो। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, गार्लिक चॉप्ड रहेगा, चॉप्ड गार्लिक, और फिर 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो प्यूरे, टोमेटो प्यूरे, देन फ्रेश क्रीम, सम बटर, मैंने कट करके रखा हुआ है, ये 100 ग्राम्स बटर है, वाटर, कसूरी मेथी। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दाल लिया हुआ है, जो मैंने इसको 4 सीटी देके पका लिया था, और ये आपका अच्छा से कुक हो रहा है, पक चुके हैं दाल, तो यहाँ पे इसे कुक होने देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन गरम करके पुट सम बटर, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें बटर बहुत लगता है। ठीक है, तो पुट सम बटर, जलाना नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बड़े टीस्पून से ले सकते हैं, मैंने बड़े टीस्पून से जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी लाल कसूरी फटाफट इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें कलर आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 टीस्पून ऑफ रेड चिली लिया है, क्योंकि इसका कलर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम नॉर्मल रेड चिली नहीं लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च। टक से हमारा जो ये होममेड टोमेटो प्यूरे है, ये आपका ऑलमोस्ट कितने का है, इसको डाल देंगे, इस पूरा जाएगा इसमें। इसमें हम मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा क्यूब का बटर डाल दिया है, जो ऑलमोस्ट हमने बना के रखा था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, अच्छा सा फिर मिक्स करेंगे।
ये हमारा ब्राउन होने तक हमें से अच्छा से जाने देना है। ये पक रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसको खूब अच्छा से पकाना है। कम से कम 20 मिनट्स के लिए हमें यह पकाना है, तभी आपको ये रेस्टोरेंट वाली फील आएगी। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मेरे पास कसूरी मेथी है जो मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं फिर डोंट वांट टू तो आप मत भी डालो। अब मैं क्या करूँगी, मैं बहुत ही इसमें फिर 2 चम्मच क्रीम के डाल देंगे और उसको मिक्स होने देना है। वाओ, ये हुई दाल मखनी, कलर देख रहे हो, ये भी और पकने के बाद और टेस्टी हो जाएगा। इसमें मैंने पूरे 100 ग्राम बटर लिए हैं। और 200 ग्राम दाल के, अब ये हमारा ब्राउन हो गया है। तड़के का जो है अब हम क्या करेंगे, तड़का डाल दिया, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे बटर खाने का शौक है आप इसमें और बटर डाल सकते हो। दैट्स इट, अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए पकाएंगे। खाना बहुत सिंपल। अब मैं बनाने जा रही हूँ जीरा राइस जो बहुत ही सिंपल है, मैं उसमें कुछ भी नहीं करती हूँ। आई विल जस्ट टेक सम घी, 1 चम्मच घी, जीरा डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा पका लूंगी। तो हमारा जीरा हो गया है, अब मैंने क्या किया है, मैं बहुत इजी बना रही हूँ, मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ। तो मैंने एक बोल लिया है, बोल में मैंने चावल स्वाद अनुसार नमक, ये मेरा चावल है और स्वाद अनुसार नमक, चावल नॉर्मल चावल लिया है और ये जो मैंने डाल लिया था डाल देंगे। अब इसे मैं माइक्रोवेव में के लिए पकाऊंगी। गाइस, हमारा ये राइस भी रेडी हो गया है। इट्स नॉट रिमूव एंड चेक।
सी हमारा जीरो राइस रेडी हो गया। बहुत सिंपल, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने राइस लिया था, राइस को लेके राइस के साथ भी बना सकते हो। तो हमारा ये दाल मखनी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जैसा आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा बना है, इसका थिकनेस भी परफेक्ट है राइस के साथ खाने के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से, आप देख लो सामने से कितना अच्छे से पक गया है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से हम फ्रेश क्रीम को डेकोरेट कर देंगे डाल के। ये रहा फ्रेश क्रीम, अब हम इसे डेकोरेट कर देंगे। एक और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, राइस का मैं बता रही थी कि राइस को आप अगर माइक्रोवेव में नहीं बना सकते तो आप नॉर्मल में भी बना सकते हैं। पहले वही घी को आप जीरा के साथ मिक्स कर पहले अच्छा से भून लो, और उसके बाद उसमें राइस और पानी डाल के नॉर्मल वे में पका सकते हो, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो।